से बहुत प्यार करता हूँ। I love it too. निशा, यही कारण है कि यह कहना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। ओह, अच्छा, अब तुम उससे ब्रेकअप करना चाहती हो? तुम मुझे छोड़ना चाहती हो? मैं यहाँ से जाने वाला हूँ। मेरा मतलब है कि मैं नहीं चाहता कि हम में से कोई नए अफसरों को छोड़ दे। क्या बोल रहे हो? क्या कोई लड़की है रायन? मुझे सच बताओ, क्या मैं तुम्हारी लाइक नहीं हूँ? I love you. मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। यही हम दोनों के लिए बहुत अच्छा है। यही बात है। मुझे माफ कर दो। जल्दी नाश्ता फिनिश करो। हे स्वीटी, चलने के लिए तैयार हो? कल तुम दोनों क्या कर रहे थे? हम कैरम खेल रहे थे। कैरम? ये तो बढ़िया किया तुमने। तुम्हारी बहन कहाँ है? मुझे लगता है कि शायद वो ऊपर वाले रूम में है। तुमने वो सब पैक कर दिया है? मेरी बस आ गई है, मैं जा रही हूँ। बाय मामा। स्वीटी, कहाँ हो बेटा? निशा, ओ गॉड, ये क्या हो गया? निशा, निशा, निशा बेटा, कहाँ हो तुम?
कौन है? कौन है? हेलो सर। हाय मैरी, कैसी हो तुम? फाइन। बहुत बढ़िया। नीसा का कमरा कहाँ है? रूम नंबर 05। अगली बार चाय साथ पियेंगे। थैंक यू। आंकड़ों के अनुसार जो माता पिता आत्महत्या करते हैं ज्यादातर उनके बच्चे भी आत्महत्या करने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है? मैं तुम्हारे पिताजी को 20 साल से जानता हूं निशा। वो बहुत एक अच्छे इंसान थे, बस थोड़े से इमोशनल थे तुम्हारी तरह। मेरी पत्नी हमेशा की तरह। क्या तुम कभी सैंडी से मिली थी? हाँ, अंतिम संस्कार में उसने कहा मेरे पिता नरक में जा रहे हैं, कैसे वो अपनी जान ले सकते हैं? मुझे बहुत दुख है, लेकिन वो कैसे अपनी जान ले सकते हैं? क्या तुम उसका विश्वास करती हो? अब करूंगी। हे स्वीटी, कुछ खा लो बच्चा। देखो मैं क्या लाई हूं। उठो बेटा। कुछ खा लोगी तो अच्छा फील करोगी बेटा। कम से कम दवाई तो ले लो बेटा। आई लव यू बेटा। नाश्ता रखती है बेटा, दवाई भी ले लेना प्लीज बच्चा। नीसा, तुम्हारी फ्रेंड आई है बेटा, तुमसे मिलना चाहती है। चलो तुम दोनों अब आपस में बातें करो। तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना चाहिए था? उस हाथी को वही सबक सिखाना चाहिए था। मुझे पता है,
वो दूसरी लड़की कौन है? शायद लिंडा हैरिस। क्या तुम उस लड़की को शर्मिंदा करना चाहती हो? उसने बोला था कोई और लड़की नहीं है। वो एक नंबर का झूठा लड़का है। क्या तुमने अभी भी उस झूठे लड़के की अंगूठी पहनी हुई है? ये मेरी सगाई की अंगूठी है, छोटी बात नहीं है। मैं तुम्हें यहां से ले जाने आई हूं, तैयार हो जाओ, हम दोनों चलो कहीं डरावनी जगह चलते हैं। खे नहीं, मैं थोड़ी डरी हुई हूं। तुम दोनों खाने में क्या लोगी? अब यहां से चलो। लगता हम पहुंच गए। चलो बाहर आओ, हाँ जल्दी जल्दी करना। हाँ अरे लगता है बड़ी थक गई हो तुम। अच्छा ये है, क्या जगह है ये, क्या चीज है ये जगह बहुत डरावनी है पर मुझे बहुत पसंद है। क्या तुम्हें पसंद आया? ये किसका आइडिया था यहाँ आने का? बाहर जाना किसको पसंद है। हाँ बिल्कुल, उनको लगता है कि वो हमको डराएंगे तो हम अपना रास्ता खुद बना लेंगे। लड़के बस एक ही चीज के बारे में सोचते हैं। तीन लड़कियाँ दो लड़के, एडम तीन लड़कियाँ दो लड़के, मजा आएगा। बड़ी गर्मी है और ये सही भी रहेगा, है ना? हाँ। बकवास करना बंद करो, काम करो, है ना? सबको ध्यान देते रहते हो, है ना? कोई और काम तो है नहीं तुम्हें? बहुत बड़ी जगह है ये। ये क्या जगह है? बड़ी अजीब सी है। ये एक गारमेंट फैक्ट्री थी। सही मायने में इस फैक्ट्री को विश्व युद्ध के दौरान ही बनाया गया था। सैनिकों की वर्दी बनाने के लिए 70 के दशक में इसे बंद कर दिया गया था। जब लोगों को यहाँ काम करने के लिए बुलाया तो उन्होंने मना कर दिया था। ये। तो हम यहाँ क्या करने आए हैं? क्योंकि यहाँ आत्माएं घूमती हैं। ऐसा मत बोलो, तुम उन्हें नाराज कर दोगे। क्योंकि आत्मा जैसी कोई चीज नहीं होती। यार थोड़ा आराम से आना, धीरे धीरे। ये कैसी अजीब सी बदबू है? क्या मतलब? मुझे पता है, मुझे आश्चर्य है कि उन्होंने क्या सोचकर जींस बनाई और मिनी स्कर्ट्स और हाफ पैंट्स। ये डराने के लिए वो कहीं छुप गए होंगे। गाइस वे कहाँ चले गए? दोस्तों उन लोगों को हम काफी अजीब लगते होंगे, वो लोग कहाँ गए? ठीक है वो तो चले गए, तो उनके बारे में बात करते हैं। निशा तुम्हें उनमें से कौन चाहिए? क्या मतलब कौन सा गाइड चाहिए तुम्हें? अरे पहले निशा को लेने दो, मैं और किया बाद में रनर अप ले लेंगे। मैं तुम्हें मारने वाली हूँ। कितना बकवास करती हो तुम। क्या होने वाला है? यार होने तो देख लेंगे क्या बन सकता है। ओह गॉड, तुम्हें तो डरा दिया। तुम सुधरोगे नहीं कभी। हाँ डराना बंद करो सबको। ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। ये फिर बड़ी मजेदार होने वाली है सबके लिए। यही तो क्या है, तुम्हारा नया फोन है? तू सुधरेगा नहीं कभी। हाँ मैं ये बोलना चाह रहा था कि
हाय हनी। हाँ, मुझे तुम्हारी माँ के मैसेज मिले थे। मुझे मालूम है वो नाराज है। मुझे कुछ नहीं पता कि उसके अखबार किसने चुराए, ना ही मुझे उसके बारे में कुछ जानकारी है। अब वो सुबह जल्दी क्यों नहीं उठती, सारे दिन सोती रहती है। हे, मेरा एक फोन आ रहा है, मुझे इसे लेना पड़ेगा, प्लीज। हाँ, मैं बोल रहा हूँ। क्या मतलब, कहाँ चली गई वो? नीसा मुझे बिन बताए कभी बाहर नहीं जाती है, वो औरों से अलग है। डोंट वरी, वो सही है। सुनो, मैं क्या करता हूँ, मैं आसपास की सब दुकानों में जाता हूँ, लोगों से पूछता हूँ, पता करता हूँ। ठीक है। दोस्त, एक सीरियस बात करना चाहता हूँ। अच्छा दोस्तों, मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ। सुनो दोस्तों, सुनो ना यार, मेरे पास एक सवाल है। क्या तुम में से कभी किसी ने भविष्य की यात्रा की है? हाँ, हाँ, ठीक है। और अपना भविष्य खुद बर्बाद किया है? हो सकता है कि वो गेम या फिर इसमें ये बहुत खतरनाक हो सकता है। वाकई ये सब मेरे दिमाग में चल रहा है। ठीक है, तुम लोग थोड़ा पॉलिटिकली इनकरेक्ट हो, लेकिन हमको एक स्पेशल टीचर चाहिए। स्पेशल टीचर और स्पेशल स्टूडेंट्स। क्या तुम टीचर हो? हो भी सकती हूँ। सही है यार। ओह माय गॉड। अगर एक कछुआ अपना कवच खो दे तो उसे नंगा कहेंगे या बेघर? जाहिर है वो दोनों ही है। बेचारा कछुआ। हाँ, ये कोई मजाक नहीं है नीसा। कभी कभी चलता है। अरे यार। तो निशा, तुमने अपने आप को मारने की कोशिश क्यों की? क्या बकवास है ट्रेविस? ट्रेविस, हम ये अच्छा समय बिताने आए हैं और शायद तुम भी। देखो, हम सब यहाँ अच्छा समय बिताने आए हैं। अरे यार, आत्महत्या करने वालों को हमदर्द की जरूरत होती ही है ना, तो बस मैंने तो हमदर्द बनने की कोशिश की है। नहीं, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं एक अच्छा इंसान हूँ जो अपनी फीलिंग खुलकर सबके सामने रखता हूँ। मरने की कोशिश नहीं की, पर मैं अपने को मार सकती हूँ। डॉक्टर ने कहा मैं कम से कम 6 मिनट के लिए मर ही गई थी। क्या तुम्हारे दिमाग में कोई खराबी है? कौन बोल रहा है? तुम्हारी हंसी कितनी प्यारी है ना? ओके। यार तुम लोग अच्छा मजाक कर लेते हो। क्या तुमने कुछ सुना? नहीं, मैंने नहीं सुना। मैंने भी नहीं सुना। लगता है जैसे बच्चे गा रहे हैं। शायद तुम्हारे कान बज रहे हैं। सीरियसली, आवाज मुझे गैलरी से ही आ रही है। नहीं, फिर से नहीं। हाँ, मैंने कहा ना, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। क्या क्या, अभी टाइम क्या हुआ है? चलो चल कर देखते हैं। चलो ना यार। आओ भी। पागल यार, कितनी धूल मिट्टी है यहाँ पे। हाँ? ओह गॉड, खाली ड्राम कैसे रखे हैं? आराम से, धीरे-धीरे। तो रोशनी दिखाना थोड़ा। चलो चलो। हाँ हाँ, उसके पीछे। कितना अंधेरा है। कितनी डरावनी जगह है। अब देख के चलना। कितना आराम से लग रहा है। अरे अरे, देख के आराम से चल। ऐसी जगह तो पहले कभी देखी नहीं। ओह हाँ, ट्रेविस मैं भी आता हूँ। हाँ ठीक है, पर पहले कौन जाना चाहेगा? ये तुम क्या कह रही हो? तुम ऐसा क्यों कहते रहते हो? ये मजाक था। नहीं, ये मजाक नहीं था। फिर से शुरू मत करो। ठीक है, पहले मैं जाती हूँ। ये ठीक नहीं है दोस्तों। मैंने कहा था ना। चलो, अब आप ही जाओ। चलो सैम, मैं भी देखना चाहती हूँ। ठीक है, तुम जाओ, तुम तो वैसे भी मरना चाहती हो। नीसा, मुझे माफ कर। कोई नहीं। नहीं, मेरा कहने का ये मतलब नहीं। पर तुमने बोला था। अरे आप ही जाओ।
रुको दोस्तों, मैं भी आ रही हूँ। तुम डरपोक बिल्ली मत बनो। सही में यार, ये उसने क्या कहा? बहुत खतरनाक था ना। मैं शर्त लगा सकती हूँ कि वो मजदूरों की लाशों को ढूंढ नहीं पाए और अब उनकी आत्माएं चारों तरफ घूम रही। अच्छी कहानी बना लेती हो किया, भूतों जैसी कोई चीज नहीं होती। हाँ तुम ऐसा ही कहते हो, पर मैं ऐसी हूँ। हमें उनकी लाशों को ढूंढकर दफनाना है और मैं ये करने जा रहा हूँ। उधर चलते हैं। गॉड, तुमने डरा ही दिया। वहाँ तुम लोगों ने कुछ सुना? बिल्कुल नहीं सुना, हमें तो सुनाई नहीं दिया। ये आवाजें दीवार के पीछे से आ रही हैं। ये क्या है? हम इसे तोड़ सकते हैं, पर ट्रक से जाके इसे तोड़ने वाला औजार लेके आना होगा। बस सारा इंतजाम है। दोस्तों मुझे नहीं लगता ये सही है। तुम वही हो ना जो नीचे आना चाहती थी? मुझे पता है, लेकिन मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। वे जरूर दीवार के पीछे छिपे हैं। हाँ ये बहुत पुराना है। देखो इस इमारत को 40 साल से ज्यादा हो चुके हैं और इस बॉक्स से जुड़ी हर चीज खत्म हो चुकी होगी। लगता है तुम सही हो। जानता हूँ मैं सही हूँ, मैं वापस पार्टी रूम में जा रहा हूँ। क्या तुम मेरे साथ? चलो। तुम जानती हो मेरा वो मतलब नहीं था जो मैंने कहा था। ये केवल इसलिए क्योंकि तुम पहले मुझसे बात करने नहीं आती थी। तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। मुझे पता है कि कभी कभी मैं स्वार्थी हो जाती हूँ। मुझे पता है सैम, तुम मेरे अच्छे के लिए मुझे यहाँ लाई हो, ये मेरे लिए मायने रखता है। मुझे वादा करो कि तुम मुझे बताने आओगी इससे पहले कि तुम कुछ भी बेवकूफ़ी करो। हाँ मैं वादा करती हूँ। देखो मैं ठीक हूँ। ठीक हूँ मैं कसम से। चलो इस बक्से को खोलते हैं। देख के खोलना। अरे ये क्या है? ये सब क्या है? अरे ये तो बहुत पुराना कागज है। ये बड़ा अजीब है। ऐसे कागज तो जर्मनी में पाए जाते थे। बिल्कुल नहीं, इसे देखो। हाँ? ये सब वर्दी बनी तो है, ये गलत टीम के लिए बनी है। ये कितनी सुंदर नाजी वर्दी है। वाओ। ठीक है, वे टेक्सास के बीच में नाजियों के लिए वर्दी क्यों बना रहे होंगे? हाँ तुम मजाक कर रही हो, अमेरिका की बहुत सी कंपनियों का पर्दाफाश हो चुका है। हाँ और कुछ छोटी कंपनियां अपने ऑपरेशन के लिए लगी हुई थी। ओ, बड़ी पढ़ाई की है बेटा। हाँ इसे इंटरनेट कहते हैं। वह क्या है? इसके ऊपर के निशानों को देखकर यह लगता है कि वह सुमेरियन है, जबकि पत्थरों को देखकर लगता है कि ऐसे निशान किसी आदमी ने अपने हाथों से खरोच कर 2000 साल पहले बनाए हो। सुमेरियन? ये एक जादू का पिटारा है। इस जादू के पिटारे के साथ हम खेलेंगे। कोई बात नहीं। इसे मुझे दिखाओ। यह किसी राक्षस को बुलाने की प्रक्रिया लगती है। तो ये यहाँ क्या कर रहा है?
सकता है उन्होंने इस जगह के मालिक को किसी प्रकार का भुगतान या इनाम के रूप में भेजा हो। चलो ये करके देखते हैं। क्या? देखते हैं ये कैसे काम करता है। तुम दानव बुलाना चाहती हो? प्लीज करते हैं ना। ठीक है। तुम्हारी क्या राय है समांथा? मेरे ख्याल से कुछ भी। I'm sorry, लेकिन मैं पूरी तरह से दानव को बुलाने में सहमत नहीं हूँ। हाँ हाँ शुक्रिया, लगता है सबसे समझदार तुम ही हो। चुप रहो मैडम, तुम ज्यादा समझदार मत बनो। ठीक है, वोट कर लेते हैं। कौन कौन दानव को बुलाना नहीं चाहता? मैं। ओह, तीन में से दो, तुम जीत गए। आजादी का जश्न मनाओ। मैं हूँ। देखो, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, जो मेरे साथ उस दिन हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। मैं उस समय बहुत परेशान थी। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। ठीक है। ठीक है, सब ध्यान से सुनो। उनको बुलाने के लिए शब्द जरूरी है, लय नहीं। और हाँ, इन पासों को हम बीच में डालेंगे। ये जितने भी पासे हैं सब हड्डियों से बने हुए हैं। सब समझ गए? ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नकल बॉन्स, तुम हमें अपना चेहरा दिखाओ। नकल बॉन्स, इस जगह पर आओ। अरे यार। ओह नो। जीरो नंबर। मुझसे ठीक से नहीं हुआ। मैडम, अब अगला नंबर तुम्हारा। हमें एक दानव मिलने वाला है। चलो मैं बुलाता हूँ। नकल बॉन्स। अरे बाहर आओ और खेलते हैं। नकल बॉम्स, हम सब के हैं। ट्रेविस, मैं कैसे करूं जाने मन। ठीक है निशा, तुम्हारी बारी है। ये लो, ठीक से चलना। नकल बून, रक्त का रंग लाल है। नकल बून, मृतकों को चुकाना है। बढ़िया है, पर आप क्या करें? ओ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये कैसे हो रहा है? Thank you.
जल्दी तुम लग जाओ, मैं इसे अभी लेके आया। क्या तुम पागल हो गए हो क्या? Oh my God, चलो भागो यहाँ से, भागो भागो, निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से, निकलो। क्या हो गया? याद है तुमने मुझे कहा था बेवकूफी करती हूँ मैं? क्या? मैं कुछ बेवकूफी करने जा रही हूँ। तुम्हें कोई मार देगा? मुझे परवाह नहीं है। लेकिन मुझे परवाह है। मैं उनकी मदद करना चाहती हूँ। क्या करोगी? वो तो वैसे ही मर चुके हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। निशा, शिट, मुझे उसके बारे में कुछ पता चला है। वो किसी रिजॉर्ट की तरफ जा रहे थे और रास्ते में कहीं शराब खरीदने के लिए रुके थे और वो तेज गाड़ी चलाकर रिजॉर्ट की तरफ जा रहे थे। वहाँ क्या है? वो एक बहुत पुराना सा रिजॉर्ट है। मुझे घबराहट हो रही है। रिलैक्स नैन्सी, मैं उसे ढूंढ लूंगा। तुम्हें उसने जाने से पहले कुछ बताया था कि वो कहाँ जा रही है? नहीं, कुछ नहीं बताया। मुझे पता है वो कहाँ है। मैं जासूसी नहीं कर रही हूँ। वो भी पास में ही है। शायद वो
दानव था। हम यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। वातावरण? शायद वो ठंडा था। अगर नहीं मरना है तो शायद वो भूखा है। और कितना लंबा चलना पड़ेगा? मेरा और टाइम बर्बाद मत करो यार। मेरा यकीन करोगे क्या? ये जगह बिल्कुल बकवास है। हाँ अच्छा, दोबारा क्या तुम फिर उन झाड़ियों के पीछे जाना चाहती हो? देखो वहाँ रोशनी है, तुम्हें क्या लगता है वहाँ कोई हो सकता है? कोई मजा लूट रहा होगा मेरी जान। Thank you.
धीरे चलो, धीरे, आराम से। कोई है? सुन रहे हो? कोई है यहाँ पे? तो मुझे बुरी तरह डरा दिया। मैं तो सिर्फ ये बोतलें खाली कर रहा था। ए, तुम कौन हो? मेरे दोस्त मुझे चॉकलेट कहकर बुलाते हैं। मैं निशा हूँ, ये है सैम और एडम। चलो, अब इन सब के लिए समय नहीं है। क्या बोल रहे हो? हम नहीं जानते। मैं जानती हूँ, सुनने में अजीब लगता है, पर वो है किसी दानव जैसा। दानव? तुम्हारा मतलब नकल बाउंस? क्या तुमने उसे देखा है? देखा? कहाँ देखा है? हे भगवान, मुझे पता है अब क्या होने वाला है। रुको, तुम उस चीज के बारे में जानते हो? अब हमें यहाँ से जाना होगा। मेरी माँ यहाँ सन 1970 से काम करती थी। मैं भी उसके साथ आता था और मैं यहीं पर ही आता था, लेकिन जैसे और दूसरे बच्चे थे, हमारे पास कुछ और खेलने के लिए नहीं था। हम यहीं पर ही खेलते थे, हमारे लिए यही एक गेम था। उस दानव ने सबको मार डाला, मेरी माँ, दूसरे बच्चों को, मुझे भी मारना चाहता था, लेकिन मैं छुप जाता था, बहुत जल्दी छुप जाता था। वो एक गेम नहीं था, वो एक षड्यंत्र था। बेसमेंट के अंदर एक स्टार सा कुछ बनाता रहता था उबड़ खाबड़ चीजों से, और उसके बाद हर एक डाइस को स्टार के एक एक कोने के ऊपर रखना होता था। उस दानव ने एक बार मुझे पकड़ लिया, लेकिन मैं किसी तरह जान बचाकर उसके चंगुल से बच निकला। मैं वाकई बहुत लकी था जो मैं वहां से भाग गया। हवा की तरह मैं वहां से गायब हो गया, लेकिन फिर उसके बाद बहुत सारे ब्लैक सूट वाले इस बिल्डिंग में दाखिल हो गए। इस तहखाने में बक्से में पासे मिले हैं जो दीवार के पीछे छिपाए थे। मैं उसे बहुत डरता था, इसलिए बहुत सालों तक मैं यहाँ पर नहीं आया, लेकिन अब पता नहीं अचानक कैसे आ गया। वहाँ कोई चीज थी जैसे किसी तरह का कोई अनुष्ठान किया। मैं उससे भी डरता था। काफी लंबे समय से मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ। तुम चाहो तो मुझे पागल भी बोल सकते हो, लेकिन मेरे ख्याल से ये सारी चीज एक मिलिट्री वेपन है। तुम पागल हो। इसके बारे में सोचो, इस चीज को एक भारी आबादी वाले क्षेत्र में यदि छोड़ा जाए, किसी को इसके बारे में नहीं पता कि कैसे इससे पीछा छुड़ाएं, वो लाखों को मार सकता है। एक बलशाली योद्धा। अब जब हम इस चीज के बारे में जानते हैं तो इससे छुटकारा पा सकते हैं ना? तो हमें पासे लाने होंगे, उसके लिए ऊपर जाना होगा, और अभी हमारे पास समय नहीं है। तुमने कहा कि हमारे पास बस यही एक मौका है ना? इसी में कुछ करना होगा। अब क्या करने जा रहे हैं? हमें यहाँ से भाग लेना चाहिए। वैसा इसलिए क्योंकि तुम इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते,
अरे तुम लोग तो मेन रोड तक भी नहीं पहुंच पाओगे। ये चीज इतनी तेज है कि तुम सोच भी नहीं सकते। और एक बात, तुम चाहे कितनी भी तेज भागो तुम यहाँ से बचकर नहीं जा पाओगे। वो तुमसे भी तेज दौड़ता है। हम में से दो एक्साइटमेंट पैदा करते हैं और बाकी दो पासर डालते हैं। तो ये काम कौन करेगा? मैं करूंगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ। सैम तुम चॉकलेट बिल के साथ जाओ और पासर डालो। मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। मैं अकेला यहाँ क्या करूंगा? ठीक है, तुम्हारा क्या प्लान है? जैसा तुम कहोगी वैसा करूंगा। निशा, क्या क्या हम सही कर रहे हैं? सैम, हम ये करने जा रहे हैं, ठीक है? प्रॉमिस। यस। क्या तुम सब तैयार हो? अपना हौसला बनाए रखना और डरना नहीं। बैकअप के लिए भी सब तैयार है। Thank you.
उठो, तुम यहाँ कर क्या रही थी? जल्दी बैठो गाड़ी में, जल्दी करो, तुम यहीं रहो, ठीक है? ना, वापस आ जाओ, प्लीज, वापस आ जाओ, प्लीज, वो मार देगा। मेरी बात मान जाओ।
Thank you.
कोई है? कोई है? हाँ, कौन है? कहाँ से आवाज आ रही है? कोई है? हाँ, मदद करो। कोई है वहाँ? सैम। हे निशा, निशा। तुम जिंदा हो? Stupid! I'm sorry. मुझे माफ कर दो यार। क्या पागलपन है ये? मैंने बहुत टाइम से तुमसे बात भी नहीं की, तुमने मेरे मैसेजेस का जवाब भी नहीं दिया, और तुम्हें पता है मैं बहुत परेशान था। डॉक्टर्स ने बोला है कि मुझे ठीक होना है तो तुमसे मिलना होगा। मुझे पता है, लेकिन मैं इन सबसे कंफर्टेबल नहीं हूँ। रुको, तुमने कुछ कहा? मैं सीरियस हूँ। निशा मेरी सहेली थी, ये सब ठीक नहीं है। उसने अपने आप को मारने की कोशिश करी। क्या तुमने उसे हम दोनों के बारे में कुछ बताया था? बिल्कुल नहीं। मैं उसे कभी इस तरह चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी। उसके पीछे उसके बॉयफ्रेंड के साथ पिछले 6 महीने से सेक्स कर रही हो? मैंने कभी नहीं कहा कि मैं परफेक्ट हूँ। वैसे तुम सही में क्यूट और सेक्सी हो। सही में? रुको, क्या कुछ ठीक नहीं है? आ जाओ। मेरे पैर को क्या हो रहा है? ओह माय गॉड, हे भगवान, हे भगवान।